वो तुम्हें मार डाले मतलब मारने मारना इन द सेंस ये ये नहीं कि कि जान से मार डाले मतलब ये कि तुम तड़पो जब मेरी याद आए तुम्हें क्योंकि तुम मुझे छोड़ के गए ओके okay, इसका मतलब सिर्फ इतना है और मैं किसी इंटेंशन के साथ नहीं बोल रही हूँ मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इसका मीनिंग तो होप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आपको ये समझ आ गया होगा और ये बायो जो आई मीन ये जो कैप्शन है वो बॉय एंड गर्ल कोई भी यूज कर सकता है नंबर टू पीपल ड्रिंक बियर बाई चॉइस गाइज इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप बियर पी रहे हैं और आपने सेल्फी या वीडियो रिकॉर्ड करी है तो so उस सेल्फी और वीडियो के साथ आप इस कैप्शन को यूज कर सकते हैं कि पीपल लोग बियर अपने चॉइस से पीते हैं ठीक है तो इसका मतलब बस इतना है कि मतलब ये कि अगर आप बियर पी रहे हो तो ये आपकी चॉइस से तब आप पी रहे हो ना कि कोई आपको पिला रहा है तो होप्स गाइज आपको इस कैप्शन का मतलब समझ आ गया होगा थ्री बी हैप्पी इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी गाइस डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि खुश रहो क्योंकि खुशियां लोगों को क्रेजी कर देती है इन द सेंस ये कि खुशी में लोग क्रेजी होते हैं क्यों आप देखते हो ना कोई वायरल वीडियो वो बहुत मूडी होते हैं स्विंग कर रहे होते हैं डांस कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं और वो अपने वाइब में ही खुद ही लॉस्ट होते हैं वो इसलिए वो क्रेजी बिहेव करते हैं तो होप्स तो गाइज आपको इस कैप्शन का मतलब समझ आ गया होगा और अगर आप कुछ इस टाइप की फोटोज़ एंड वीडियो क्लिक करते रहते हैं तो उनके साथ आप इस कैप्शन को यूज़ कर सकते हैं शायद नंबर फोर आई एम द ट्रुथ सो होल्ड योर लाइज काइज कैप्शन का मतलब ये होता है कि मैं सच हूँ इसलिए तुम अपने झूठ को कंट्रोल करो थोड़ा मतलब ये कि अगर आप किसी को ये कहना चाहते हो अपने फोटो एंड वीडियोस के थ्रू कि तुमने जो जो चीज़ें कही वो झूठी थी क्योंकि सच्चाई मैं हूँ मतलब ये कि अगर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे या रहोगी तो तुम नहीं रहे तभी तो मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे हूँ तो सच्चाई मैं हुई झूठा कौन हुआ तुम हुए तो होप्स गाइज आपको ये कैप्शन क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही अमेजिंग कैप्शन है अगर आपको कैप्शन पसंद आए तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कैप्शन नंबर फाइव इफ़ यू नो मी बैटर देन यू डू बैटर गाइज इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि अगर तुम मुझे अच्छे से जानते हो तो ही तुम अच्छे से चीज़ें कर सकते हो मेरे हिसाब से तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है तो अगर आप ऐसे कोई सेल्फी लेते हैं तो वहाँ पर आप इस कैप्शन को यूज कर सकते हैं तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही मुझे उम्मीद है आपको आज के पाँचों कैप्शन आइडियाज़ क्लियर हो गए होंगे अगर आपको कोई सारे कैप्शंस पसंद आए और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और गाइस दोस्तों तक जरूर शेयर करें चैनल सब्सक्राइब किए भी ना जाएं बेल आइकन जरूर दबा लें इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे मैं फिर मिलूंगी ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तक लिए आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपने फैमिली का ध्यान रखें